डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, माई सेल्फ जितेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। हम लोग बॉटनी 97 से पढ़ा रहे। पहली पोस्टिंग बांसवाड़ा रही, देन खैतड़ी, बांसवाड़ा वापस, झालावाड़, ZEB, और अभी बॉयज़ कॉलेज में 2-2.5 साल से पढ़ा रहे। BSc किया, देन फिर MSc किया, नेट GRF सेलेक्ट किया। और इस तरह का तरीका होता है कि हम इस फेज में आपके जैसे पढ़े और फिर पढ़ाने लगे। यही लाइफ की अवस्थाएं होती है। तो इसी क्रम में अगर आप ढंग से पढ़ेंगे, अच्छी क्वालिटी का पढ़ेंगे, तो अच्छा जॉब हासिल करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी कोरोना फेज चल रही है, तो घर पर रहिए और अच्छी तरह से पढ़िए। तो जो वीडियो लेक्चर मेहनत के साथ बनाए गए हैं, कई चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, तो उसको आप पढ़ें। बुक भी साथ रखें, जो रेफरेंस बुक्स बताई गई है उनकी भी आजकल ऑनलाइन कल्चर है, तो उससे कोशिश करें कि कुछ उसमें पढ़ने को मिले। तो अच्छा आपके समझ आएगा, अच्छा आप लिखेंगे और अच्छे नंबर आएंगे, तो लाइफ में अच्छी पोस्ट गेन करेंगे। ये ध्यान रखें। तो इस तरह से पढ़ें आप, कि अब तक हमने 60% के आसपास कोर्स आपका करा दिया, और सेकंड ईयर एक मैच्योर क्लास होती है, इस चीज़ का ध्यान रखें। ये आपका सिलेबस है, जैसा कि हम हर क्लास में बताते हैं, हमने इतने लेक्चर दे दिए हैं आपको, और अभी हम यहाँ पर बैठे हैं इस जगह रूट एसी वाला, यानी कि इसके ऊपर का पोर्शन हमने करा दिया। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें। बीच बीच में आपके टेस्ट पेपर भी दिए गए ग्रुप में, तो उसको भी घर बैठे सोल्व करें, इस चीज़ को मेंटेन करें। ये इस तरह से रूटे सी फैमिली है। ये इसके प्लांट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें सिट्रस लेमन है, मुरैया है, माल्टा है। ये इस तरह के प्लांट हैं। एफिकेसी ऑफ एजेल मार्मियोलस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। कई प्लांट इसमें मेडिसिन के रूप में भी काम में आते हैं। इस तरह से प्लांट हैं इसके, रूटेसी के। ये आपने देखा है नाशपाती फॉर्म में, ये मतलब सिट्रस के जो प्लांट्स फ्रूट्स आपको दिख रहे हैं वो सब रूटेसी के ही। अब ये मोर उसका यूज भी लेंगे आगे। तो रूटेसी कॉमनली नोन एज द सिट्रस फैमिली इज़ ए फैमिली ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विद अप्रोक्सीमेटली 160 जेनेरा, लगभग इसमें 160 जेनेरा पाए गए हैं। आल्सो हैविंग द फ्लावरिंग स्पीसीज, द मोस्ट इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट जेनेरा ऑफ द फैमिली आर सिट्रस, विच इंक्लूड्स द ऑरेंज, लेमन, ग्रेपफ्रूट्स, लाइम, एज वेल एज द फेगेरा एंड अके थोसमा। स्पाइसिस ऑफ द जेनस फेगेरा है, स्पीसीज ऑफ द जेनस फेगेरा हैज बीन फाउंड टू बी इन द एंटी माइक्रोबायल एक्टिविटीज। तो आपने देखा है कि लेमन फैमिली है, ऑरेंज की कई सारी प्रजातियाँ और नींबू की कई सारी प्रजातियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। ये किसी तरह से ये है कि इन बीमारियों में भी ये काम में आता है, कैंसर, अल्सर, किडनी, गोनेरा आदि में भी ये प्लांट। ऐसे इसके मेन मेन प्लांट है, जैसे इसमें बेल का प्लांट है, लेमन है, चकोतरा है, स्वीट ऑरेंज है, इसको मौसमी कहा जाता है, कड़ी पत्ता है, जो मुरैया आपने देखा होगा, कड़ी पत्ता आप आड़ोती में काम भी लेते हैं, जासवंती है। इस तरह से ये फ्लावर इस रूटेसी फैमिली के हैं। देख रहे हैं आपको फ्लावर बच्चों, ऐसे इसके फ्लावर होते हैं। रूटेसी में वही वापस बात, 162 करीब जेनेरा और 1650 स्पेसीज देखी गई है। डिस्ट्रीब्यूटेड इन द वार्म टेम्परेट ट्रॉपिकल रीजन में, और ग्रेटेस्ट डाइवर्सिटी इसकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में भी देखी गई। मैंथम होकर के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ाई पहले क्लास में, इसकी ये पोजिशन है। कॉन्क्वेस्ट के हिसाब से यह है, तख्तांजन ने ऐसे दिया है, दहलगिन ने ऐसे, थोन ने ऐसे, और APG जो सिस्टम आजकल चल रहा है
उसमें ये यूरोसाइट सेकंड में सेपिंडेल्स में इसको रखा गया है। और जो बेंथमो का क्लासिफिकेशन है उसमें इस फैमिली को जीरेनियल्स में रखा गया है और अपने इंडिया में अधिकतर हर्बेरिया इसके अकॉर्डिंग ही अरेंज करे गए हैं, बेंथम हुकर के अकॉर्डिंग, जो कि आपने पहले क्लासिफिकेशन हमने पढ़ाया भी था। जहाँ तक रहा मामला मुख्य कैरेक्टर्स का, लाक्षणिक फीचर्स का, इसमें ट्रीज या श्रब पाए जाते हैं, ये लीव्स यूजुअली कंपाउंड ग्लैंड डॉटेड होती है, स्टेमेंस फ्री और पॉलीडेल्फस होते हैं, समटाइम्स ओब्ली डिप्लो स्टेमेनस, ओवेरी सुपीरियर है, फिटेड होने नेक्टेडिस, रूट लाइक है बेरी के जैसा रूट्स है, मेजर जेनेरा इसमें अगेथोस्मा, सिट्रस, रूटा और मुरैया आदि हैं। डिस्क्रिप्शन अगर देखें तो श्रब या ट्रीज है, समटाइम्स आर्म विद अ थोर्न और स्पाइन से, नींबू में आपने देखा हुआ कांटे रहते हैं, रेयरली हर्स भी है, ऑफन एरोमेटिक हैं, कंटेनिंग एल्केलॉइड एंड फिनोलिक कंपाउंड्स, लीव्स अल्टरनेट है, रेयरली अपोजिट है, यूजुअली पिन्नेट कंपाउंड है, समटाइम्स यूनिफोलिएट ड्यू टू रिडक्शन ऑफ लोअर टू लीफलेट्स जैसे सिट्रस में, लेस फ्रिक्वेंटली सिंपल है, ग्लैंड डॉटेड हैं, स्टिप्यूल्स एब्सेंट हैं। जहाँ तक रहा मामला इन्फ्लोरेस, ये ऐसे मुरैया के डाइग्राम रखे, जहाँ तक रहा मामला भी लेंगे उसको, जैसे इन्फ्लोरेसेंस है और मौसमी ऑरेंज इसमें एंड केरिस्मा में वाइट जेपोटे आर द नॉन फोर फ्रूट्स। मुरैया पेनिल्टा इज द कल्टिवेटेड इज एन ऑर्नामेंटल श्रब्स, वेयर इज द लीव्स ऑफ द सिक मेया लोरैया आर बोरो बंट इन ऑर्डर टू प्योरीफाई द एयर। यहाँ तक रहा मामला फाइलोजेनिक, ऑल द फैमिली रिप्रेजेंट ए वेराइटी ऑफ फ्रूट टाइप, इट इज़ ए वेल सर्कम्सक्राइब बाई द मोनोफाइलेटिक टैक्सोन, कैरेक्टराइज बाई ऑयल कैविटी अपेयरिंग इन पीलुसेड डॉट्स। दलगिर ने ये इसकी पोजिशन दी है, इसी तरह से थोर्ने ने और एपीजी क्लासिफिकेशन के अंदर रेफरेंस टू मर्ज द टू इनको मिलाया, और कॉन्क्वेस्ट एंड एपीजी सेकंड यूज द नेम सेपिनडेल्स, वाइल एज द थोन प्रेफर द प्रायोरिटी एज द रूटेल्स उसने प्रेफर करा। ये इस तरह से बेंथम हुकर का जो क्लासिफिकेशन है उसमें इसकी ये पोजिशन थी। ये पूरा क्लासिफिकेशन समरी फॉर्म में हमने बताया, यहाँ पर ये सीरीज, इसमें ये ऑर्डर्स हैं, ये ऐसे इस तरह से इसको हमने यहाँ पर बताने का पूरा प्रयास कराया आपका। और अगर हम डिस्क्रिप्शन लें तो वह इस तरह से रहेगा, जैसे हम सिट्रस का डिस्क्रिप्शन लें तो स्टेम वुडी है, एरियल है, सिलेंड्रिकल है, ब्रांच सॉलिड स्पेशली एंड ग्रीन है, लीफ सिट्रस की कोलाइन एंड रेमल है, अल्टरनेट है, एक्सस्टिपुलेट है, पामेटरी कंपाउंड है। ये देख सकते हैं बच्चों इसमें, ये सिट्रस का ही डिस्क्रिप्शन है, ये लीव्स देख सकते हैं जो लीव्स का डिस्क्राइब कर रहे हैं, देन फिर हम फ्लावर का करें, लीफ कोलाइन रेमेल अल्टरनेट एक्सस्टिपुलेट पामेटली कंपाउंड यूनिफोलिएट पेटियोलेट पेट्यूल विंग्ड इलिप्टिकल लेंसियोइड क्रेनेट ऑप्टूज ग्लेब्रस ग्लैंड डॉटेड यूनिकोस्टेटेड। इन्फ्लोरेसेंस जो है सिट्रस में एक्जिलरी अम्बेलटाई अम्बेलेट साइम है, फ्लावर ब्रैक्टिएट है, ब्रैक्ट स्मॉल कोडुकस पेडिसिलेट कंप्लीट एक्टिनोमोर्फिक है, हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर है, पेंटा ऑर्थोटेट्रामस है, हाइपोगाइनस है और साइक्लिक है। जहाँ तक रामला कैलिक्स का सेपल पाँच या चार है, गेमोसिफेलस है, वेलवेट है, कोरोला पेटल्स पाँच या चार हैं, पोलिपिटेलस है, इम्ब्रिकेट विद वाइट कोरिएस एंड ग्लैंड डॉटेड। एंड्रोसियम का जहाँ तक है स्टेमेन इंडेफिनेट है, पॉलीडेल्फस है, डाइथिकस है, डोर्सिफिक्ड है, ये भी देखिए आप बच्चों डोर्सिफिक्ड इस तरह से, ये हमें यहाँ पता है, कोरिलेट करेंगे तो याद आसानी से ये रहेगा। डाइथिकस डोर्सिफिकस इंट्रोज पॉइंटेड एट द अपेक्स। गाइनोशिया मल्टीकाल्पेलरी सिनकार्पस ओवेरी सुपीरियर, ये देखिए ओवेरी यहाँ पर सुपीरियर है
और जब TS काट के देखेंगे तो इस तरह से प्लेसेंटा दिखाई देता है। मल्टी कार्पस इन कार्पस ओवेरी सुपीरियर मल्टी लोक्यूलर विद जनरली वन ओवल्स इन ईच। प्लेसेंटेशन एक्साइल है, ये देखिए प्लेसेंटेशन यहाँ पर बच्चों ये एक्साइल प्रकार का है। नेक्टरीफेरस एनुलर डिस्क इज प्रेजेंट बिलो द ओवेरी स्टाइल स्काउट स्टाउट स्टिग्मेटिक कैपिटेट। फ्रूट्स जो है हेस्पेरिडियम प्रकार का फ्रूट्स यहाँ पर दिखाई देता है, जो हमने फ्रूट सही बताया, फिर डायग्राम में भी आगे हम बताएंगे। इसके आधार पे इसको ये क्लासिफिकेशन पोजीशन दिए, क्लास डाइकोटिलीडियम में रखा, सब क्लास पॉलीपिटेली, सीरीज डिस्किफ्लोरी दिया, ऑर्डर जीरेनियल्स में दिया और फैमिली रूटेसी को दिया। फ्रूट्स जैसे स्पिरिडियम कैरेक्टर है, डिस्क एनुलर है, इन कैरेक्टर के आधार पर इसको रूटेसी के अंदर इन्होंने रखा है। इसी क्रम में मुरैया प्लांट है, उसके ये कैरेक्टर्स पाए गए हैं। स्टेम हर्बेसियस है, लोअर पोर्शन वुडी एरियल इरेक्ट सिलेंड्रिकल ब्रांच सॉलिड हेरी प्यूरलेस एंड ग्रीन। लीफ कोलाइन रेमेल अल्टरनेट एक्स स्टिपुलेट कंपाउंड यूनिपिनेट एंड इम्पेरिपिनेट है। पेटियोलेट इलिप्टिकल लेंसियोलेट एंटायर रेट्यूस ग्लाउकस यूनिकोस्ट्रेट। यहाँ तक हम हमारा इन्फ्लोरेसेंस डाइसेजल सामी साइम प्रकार का। फ्लावर को ले तो ब्रैक्टिएट पेडिसिलेट कंप्लीट एक्टिनोमोर्फिक है, हर्मियोफ्रोडाइट है, पेंटामिरस है, हाइपोगाइनस है, साइक्लिक है। कैलिस करा सेपल्स 5 है, पॉलीसिफेलस कंडीशन है, वेलवेट है। कोरोला पेटल्स 5 पॉलीपिटेलस क्विक्वेंशियल इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है। इस तरह से ये अंदर और वो अल्टरनेट, ये बाहर है, ये बाहर है और ये अंदर ये वाला अल्टरनेट है। दैट इज कॉल्ड क्विक्वेंशियल एस्टिवेशन। गाइनोशियम बाइकार्पेलरी सिनकार्पस ओवेरी सुपीरियर बाइलोक्युलर टू ओवल्स इन ईच लोक्यूल प्रेजेंटा एक्साइल प्रकार का एंड एनुलर लैक्टरीफेरस ग्लैंड डिस्क इज प्रेजेंट बिलो टू द ओवरी स्टाइल थिक स्टिग्मेटिक स्टिग्मा कैपिटेट बाइलोब एंड स्टिकी। फ्रूट जो है बेरी प्रकार के हैं, ये इसकी वही क्लासिफिकेशन ये है। इस तरह से इसको आपको बनाना है, फाइल में भी बनाते हैं बच्चों प्रैक्टिकल में, और थ्योरी में भी आपको इसी तरह से वही पत्ती का शेप बनाना है। जैसे आप ये भी देखेंगे इस तरह से, ये अभी ये देखा सिट्रस में आपने, तो ये पत्ती का शेप यहाँ पर इस तरह से आप रिकॉग्नाइज कर सकेंगे कि ये सिट्रस है। तो इसी तरह से मुरैया का बनाना है आपको, ये ऐसे प्लांट्स के इसके फोटो हैं रूटेसी के, सिट्रस के पहले हमने बताया है, ये इसके फ्रूट्स हैं, ये मौसमी का प्लांट है, देखिए बच्चे इस तरह के फ्रूट्स हैं। अभी सेक्शन भी बताएंगे किस तरह से ये इसमें अरेंजमेंट है, ये अंदर देखिए। आजकल इसका बहुत ज़्यादा यूज भी हो रहा है इम्यूनिटी बूस्टर में, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना फेज है, गवर्नमेंट बार बार कहती है घर पे रहिए सुरक्षित रहिए इम्यूनिटी बूस्टअप करिए, तो विटामिन सी इनमें पाया जाता है, ये इम्यूनिटी बूस्टअप भी है। तो इस तरह से ये प्लांट्स हैं जिनसे इम्यूनिटी बढ़ती है। इसी तरह से ये तीनों जो मेडिसिन टाइप्स हैं, जैसे आयुर्वेद भी है, यूनानी होम्योपैथी भी, ये भी कहती है कि आप वायरस इन्फेक्शन को रोकने के लिए इम्यूनिटी को बढ़ाइए। गवर्नमेंट भी ये कहता है, गवर्नमेंट का आयुर्वेदिक विभाग ये कहता है कि इस तरह से कोरोना का उपचार करिए, नाक का उपचार करिए कि इसका तेल लगाइए, लगाए तेल से कुल्ला करें, इससे सूखी खांसी गली में पुदीने के पत्ते अजवाइन वगैरह ये सारे काम में लें। इसी तरह से इन प्लांट से आयुर्वेदिक की दवा भी बनती है, इसमें भी इस फैमिली के कुछ प्लांट शामिल हैं, जैसे आयुर्वेद एंड इम्यूनिटी आर्म्स योर सेल्फ इन द बैटल इन द कोरोना। तो जो ये सिट्रस प्लांट्स जो हैं इसको गवर्नमेंट भी प्रिस्क्राइब कर रही है, तो इसकी यूटिलिटी है बच्चों। तो आप अब इसको पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे फैमिली के में, फिर इस पर आगे वर्क करेंगे, तो
इस यूटिलिटी को हम नेक्स्ट जनरेशन तक पहुँचाएं। हो सकता है कहीं चीज़ें अनडिस्कवर्ड है तो वो डिस्कवर भी हो पाए आप वाली जनरेशन से, इस चीज़ का ध्यान रखें। तो इस नज़रिए से इस फैमिली के प्लांट्स को भी पढ़िए आप कि देखिए इस तरह से रिकमेंड कर रही है गवर्नमेंट, ये सिट्रस फ्रूट्स हैं जिसको पीने की बार बार सलाह दी जा रही है, कोरोना वायरस प्रोटेक्शन, आयुर्वेदिक डिकॉक्शन एंड डिटॉक्सिफिकेशन। तो इसका यूज है इस फेज में, इसलिए इससे कोरिलेट करके बताने का पूरा प्रयास करा गया है। आगे फर्दर स्टडी में बच्चों इन किताबों को पढ़ सकते हैं। ये हमने नया ट्रेंड करा है, अधिकतर ट्रेंड में बुक्स का नाम, ऑथर का नाम, पब्लिशर का नाम लिखा जाता है। आजकल ऑनलाइन है तो आप बुक्स देख के भी मंगा सकते हैं। तो देखें बुक्स, कवर्स देखें, याद रहेगा, कलर से कोरिलेशन रखें तब भी आपको याद रहेगा। कई बार इंटरव्यूज़ में बुक्स के नाम भी पूछे जाते हैं, पब्लिशर का भी पूछा जाता है। ये इस तरह का तरीका है। थैंक यू बच्चों।